इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन से जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम अपना जो है वो ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो wordpress.com है। सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो अभी तक ब्लॉगिंग के ऊपर जो है वो ये wordpress.com जा रहा है। और अभी रिसेंट स्टडी के मुताबिक जितनी भी साइट्स जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं उनका 29% जो है वो सारी की सारी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो बनी हुई है। तो बहुत बड़ा शेयर है इनका इंटरनेट के ऊपर। तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो अगर अपना ब्लॉग जो है वो बनाना चाह रहे हैं तो वर्डप्रेस के ऊपर ही बनाएं, क्योंकि ये बहुत आसान है और सिंपल, इसी तरह है जिस तरह के हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत आसान इसके फीचर्स हैं जिनको जो है वो आगे हम जो ब्लॉग बनाएंगे तो वो इसी के ऊपर बनाएंगे और उसको जो है वो चेक करेंगे। सेकंड है ब्लॉगर। ब्लॉगर भी वर्डप्रेस की ही तरह है, सिंपल, इसका इंटरफेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो तरीकाकार इसका भी जो है बनाने का उसी वर्डप्रेस से जो है वो मिलता जुलता है। सेम उसी तरह जो है वो चीज़ें सारी की सारी जो है वो आपके पास आ रही होती हैं जिस तरह के वर्डप्रेस पे जो है वो आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है योला। ये भी जो है वो सेम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फीचर्स होंगे आपके पास, उनको जो है वो आप यूज़ करते हुए जो है वो अपना ब्लॉग जो है वो सेटअप कर सकते हैं। जस्ट आपने स्टार्ट पर 3 पे जो है वो क्लिक करना है और अपना जो है ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देना। उसके बाद विक्स है। विक्स बहुत तेज़ी से जो है वो फैलता हुआ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है और उसकी बेसिक वजह जो है वो इनकी आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। बहुत ज़्यादा ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर भी वीडियोज़ वगैरह देखें तो जो वीडियो से पहले एड्स वगैरह आते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो विक्स के ऊपर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इन्होंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर की हुई है और उसी वजह से जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ नेटवर्क है। तो इसको भी आप जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं अपना ब्लॉग बनाने के लिए। लास्ट पे टम्बलर है। टम्बलर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसको भी जो है वो आप लोग ज़रूर जो है वो चेक करें। गेट स्टार्टेड पे जाके सेम उसी तरह का जो है वो प्रोसेस होगा, लेकिन इस कोर्स के अंदर जो हम ब्लॉगिंग के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वो वर्डप्रेस होगा।